Hello everyone, I'm Rahul Mohile, Assistant Professor of Accountancy at NB Mehta College Bodhi. Today we'll be teaching you the topic of budget and budgetary control, and the subject is cost and management accounting for MCOM Semester 3 regular students, and it is also a chapter in Advanced Cost Accounting for Idol Students Part 1. So the topic for today is budgeting and budgetary control. So this chapter is very important because you are getting a practical question on this topic which will carry 15 to 20 marks in your paper and the practical questions which are usually asked are related with the flexible budget as well as the cash budget so first of all we'll understand what are the learning outcomes of this so in this video we are going to learn the concept of budget so we'll be dealing with what do you mean by the budget then we'll be going towards the concept of budgetary control. then we are going to see what is the difference between the budgeting and budgetary control. and we will be also dealing with various kinds of budgets, have various types of budgets the company is preparing, the classification of budgets which we are going to see. so let us start the session today. Uh, what is budget? first of all, what is budget? <coughs> if you see, budget is nothing but we are just predicting.

कि आगे जो भी हमारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो कितने होंगे वी आर जस्ट गोइंग टू प्रेडिक्ट दैट सो इट्स अ मॉनिटरी और क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स का प्रेजेंटेशन मतलब हमारा कितना एक्सपेंस होगा हमारे कितने ओवरहेड्स उसमें लगेंगे सारी चीजें हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे सो so दैट हम एक प्रेडिक्शन कर पाएगी व्हाट विल बी अवर एस्टिमेशन व्हाट विल बी अवर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर अरेंजिंग द रिसोर्सेस तो इसीलिए बजट काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिकॉज अगर हमें कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा कितने मशीन्स में पैसा जाएगा कितना फर्नीचर में पैसा जाएगा एवरीथिंग सभी चीजों का बजट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है बिकॉज बजट इज द प्लान विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट्स एन एस्टिमेशन इट्स अ फोरकास्टिंग और ये सारी चीज़ें हर कंपनी को करनी है तो बजट क्या होता है बजट एक प्री डिटरमाइंड या प्रेजेंटेशन होता है तो वो प्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन किसका करते हैं एक्चुअली तो प्रेजेंटेशन हम हमारे जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उसका करेंगे कि हम हमारे इतने एक्सपेंसेस हो सकते हैं तो उसके बेसिस पे वी विल बी प्रिपेयरिंग अवर डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज तो लेट अस मूव फर्दर तो बजट के बारे में अभी हमने पढ़ लिया तो थोड़ा सा एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि बजट का डेफिनेशन क्या है तो बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रीपेयर किया जाता है एंड दैट इज द प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द पॉलिसी टू बी परसिव ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई आई सी एम ए लंडन एंड दिस डेफिनेशन इज नथिंग बट जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि जो भी हमारे गोल होंगे जो भी हमारे टारगेट्स होंगे या जो भी हमारे ऑब्जेक्टिवस होंगे वो टारगेट्स गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम सर्टन प्लान बनाते हैं

फ्लेक्सिबल बजट होता है कैश बजट होता है बहुत सारे टाइप्स के बजट बनाए जाते हैं और ये सारे बजट्स को अगर हम कंबाइंड कर ले तो उसको हम मास्टर बजट के नाम से भी जानते हैं सो दैट इज द डेफिनेशन गिवन ऑफ बजट तो बजट एक स्पेसिफिकली इट्स एन एस्टिमेट एंड वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट अबाउट ऑल द एक्सपेंसेस वॉट कैन बी द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट तो एक फ्यूचर पीरियड के लिए हम बजट बनाएंगे और जिससे हम क्या करेंगे हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव uh, है या स्पेसिफिक टारगेट है उसके लिए हम बजट प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद फिर हम जैसे हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा तो वी विल बी मैचिंग दी बजट विद दी एक्चुअल रिजल्ट्स देखो बजट जितना भी हमने किया है उतने ही एक्सपेंसेस होंगे ऐसा नहीं है उतने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं तो आफ्टर दैट जब भी ये एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे तो वी विल बी कंपेयरिंग दी एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस विद द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड देन वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंसेस ओके तो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन गिवन टू यू नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे अभी बजटिंग के बारे में पढ़ते हैं देखो अभी हमने कवर किया कि बजट क्या है तो बजट एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें हम प्रडिक्शन करते हैं कि इतने 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 हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं अब बजटिंग क्या है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बजटिंग जो है एक प्रोसेस है किसका प्रोसेस बजटिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी आर डिसाइडिंग हाउ टू प्रिपेयर अ बजट जहां पे हम ये डिसाइड करेंगे कि बजट हम किस तरीके से बनाएंगे सारी चीजें इसमें कवर होगी जैसे बजट का कंट्रोल इसमें कवर होगा बजट का कोऑर्डिनेशन इसमें कवर होगा एंड एवरी पॉइंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रिपेरेशन ऑफ बजट इज कंसिडर एज द कंसेप्ट ऑफ बजटिंग तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ध्यान से समझना पहले हमने पढ़ा बजट अब हम पढ़ रहे हैं बजटिंग बजटिंग क्या है बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब बजटिंग एक प्रोसेस है किसका प्रोसेस कि बजट कैसे हम बनाएंगे उसका प्रोसेस जितनी भी चीजें बजट से रिलेटेड होगी वो सारी की सारी चीजें बजटिंग में कवर होगी ओके सो आई हैव गिवन ओवर हियर दैट इंक्लूड्स अ बजट कंट्रोल दैट इंक्लूड्स बजट कोऑर्डिनेशन एंड ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड विद द बजट विल बी कंसिडर एज द कंसेप्ट ऑफ बजटिंग सो वी हैव कवर टू पॉइंट नाउ नंबर वन वॉज बजट नंबर सेकेंड इज बजटिंग नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू मूव एंड द कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट डील्स विद चैप्टर कॉल्ड एज बजटरी कंट्रोल अब हम पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल क्या है देखो वी हैव जस्ट नाव कवर्ड अबाउट बजट द सेकेंड कंसेप्ट वी हैव कवर्ड दैट वॉज बजटिंग एंड द थर्ड कंसेप्ट इज बजटरी कंट्रोल तो बजटरी कंट्रोल क्या है बजटरी कंट्रोल एक टेक्निक है इससे रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड जहां पे हम क्या करेंगे जहां पे हम ये देखेंगे कि हमने जो बजट budget या बजटिंग बनाए वो सारे के सारे पॉइंट्स बजटरी कंट्रोल में कवर होंगे और जिसमें हम ये देखेंगे कि जो भी हमने बजट बनाया जो भी हमने बजटिंग किया उससे हमने कितना प्रडिक्शन किया था और एक्चुअली हमारा एक्सपेंसेस या एक्चुअली हमारे ओवरहेड्स कितने हुए हैं तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द बजट आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द बजटिंग एंड देन वी विल बी कंपेयरिंग विद द एक्चुअल रिजल्ट सो वॉटर रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट विल बी कम्पेयर विद द प्रीवियस प्री डिटरमाइंस जो हमने बजट बनाया था उसके साथ हम कंपेयर करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि जो हमने प्रडिक्शन किया था और जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं ताकि हम उसको इवेल्युएट कर सकें और इवेल्युएट करने के बाद हम उसमें डिसीशंस uh, ले सके और करेक्ट और रिलायबल डिसीशंस वी कैन टेक सो बजेटरी कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कंट्रोल ऑफ द मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज वेयर वॉट हैपन्स वी आर गोइंग टू कंपेयर वी आर गोइंग टू इवेल्युएट वॉट एवर एस्टिमेट्स वी हैव मेड वॉट एवर प्रोडिक्शंस वी हैव मेड एंड द प्रोडिक्शंस विल बी कम्पेयर विद द एक्चुअल रिजल्ट एंड वी कैन फाइंड आउट वॉट वॉज द प्रॉब्लम्स वॉट आर द रिजल्ट एक्चुअली एंड वॉट वी हैव प्रडिक्टेड तो ये सारी चीजों को हम बजेटरी कंट्रोल के नाम से जानते हैं सो so, मैंने अभी आपको तीन कंसेप्ट बताए नंबर वन वॉज बजट नंबर सेकेंड इज बजेटिंग एंड नंबर थर्ड इज बजेटरी कंट्रोल अगर हम बजेटरी कंट्रोल की बात करें तो बजेटरी कंट्रोल के अंदर बजट भी आएगा और बजेटिंग भी कवर होगा ओके सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि बजे budget, बजटिंग और बजेटरी कंट्रोल में क्या क्या डिफरेंस है बिकॉज दिस थ्री वर्ड्स आर रिलेटेड भी टीचर दर और काफी कंफ्यूजिंग लगता है तीनों वर्ड्स जब हम बार बार यूज करते हैं तो बजेट बजेटिंग एंड बजेटरी कंट्रोल तो देखा जाए तो बजट एंड बजटिंग जो है वो नैरो कंसेप्ट छोटे कंसेप्ट है और जो बजटरी कंट्रोल है एक हमारा वाइडर कंसेप्ट है बिकॉज बजटरी कंट्रोल में मैंने अभी आपको बताया कि बजटरी कंट्रोल एक लास्ट स्टेप है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमने बजट्स बनाए होंगे उसका हम प्रडिक्शन जो भी हमने प्रडिक्शन किया है उसका हम इवेल्यूएशन करते हैं और कंपेयर कर रहे हैं हम हमारे एक्चुअल रिजल्ट के साथ वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द एक्चुअल रिजल्ट एंड अकॉर्डिंगली फ्रेंट काफ डिस कैन भी टेकन ओके सो द मेजर डिफरेंस फिर नंबर सेकेंड पॉइंट है बजट आर बिजनेस एस्टिमेट बजटिंग इज अ प्रोसेस तो बजट क्या है एक एस्टिमेट है तो बजट हम प्रेडिक्शन करने वाले बिकॉज बजट हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं अगले साल क्या क्या हमारे एक्सपेंस होंगे उसके लिए हम इस साल बजट बनाएंगे और बजटिंग क्या बताया मैंने आपको बजटिंग इज अ प्रोसेस कि जितनी भी चीज़ें बजट से रिलेटेड होगी वो सारी की सारी चीज़ें बजटिंग में कवर होगी एवरीथिंग एवरी पॉइंट विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रिपेरेशन ऑफ द बजट इज कंसिडर एज द बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल क्या है budgetary control is nothing but achieving of the performance so whatever targets whatever goals whatever objective we have set we will achieve that and we will compare with the budget we will compare with the estimate ki what kind of ex what kind of uh, expectations we have done and accordingly what is the actual results so we will compare that and find out the differences that is the concept of budgetary control and budget and budgeting are related with the planning factor तो देखो बजट और बजटिंग जो है ना वो प्लानिंग को रिलेट करते हैं वेर एज जो बजेटरी कंट्रोल है जहां प्रॉपर इवेल्युएशन होता है और इवेल्युएशन जहां होता है वो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वहां कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के फंक्शंस कवर होंगे तो बजट और बजटिंग जो है जो प्लानिंग रिलेटेड पॉइंट्स में जाएंगे एज कंट्रोल जो है वो लिंक होगा आपके कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आपके कंट्रोल से रिलेटेड पे आप एग्जैक्टली exactly ये करोगे कि आपका जो टारगेट आपने रखा था या जो आपने प्री डिटरमाइंड एस्टिमेट्स रखे थे उसके कंपैरिजन से आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है वो कितना आया है ताकि हम डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सके और उस डिसीशन के बेसिस पे हमारे डिसीशन को इंप्रूव कर सके ठीक है तो अभी हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन प्रिपेयरिंग ऑफ कैश बजट प्रिपेयरिंग ऑफ द फ्लेक्सिबल बजट वी कैन आल्सो गेट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू मटेरियल बजट परचेज बजट सेल्स बजट बहुत सारे टाइप्स के बजट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कैश बजट एंड

शॉर्ट टर्म बजट अगर हम लॉन्ग टर्म बजट की बात करें तो देखो लॉन्ग टर्म बजट की अगर हम बात करें तो थ्री ईयर्स से लेके सेवन ईयर्स तक फ्रॉम थ्री इयर्स टू सेवन ईयर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी बजट इट कैन बी कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म बजट करंट बजट यू कैन आई गेट एन आइडिया फ्रॉम द नेम इट सेल्फ दैट करंट बजट मतलब इसी साल के लिए तो वन ईयर का जो बजट बनेगा दैट विल बी ऑवर करंट बजट and short term budget is what short term budget agar dekha jaye to 1 saal se jaada, lekin 3 saal so 1 to 3 years so three types of budgets are related with the uh, basis of period if you classify on the basis of period we have three types of budget number one is long term budget which can be related from 3 to 7 years number second is current budget which is related with one year number third is short term budget which can be related with 1 to 3 years next point we are moving

1 lakh pieces company is manufacturing and for 1 lakh pieces i'm going to prepare a budget if i am preparing a budget for 1 lakh pieces only then it will be considered as fixed budget but if i find out if i manufacture 1 lakh pieces this is my expenditure but if i manufacture 90000 pieces what should be my expenditure and if i manufacture more than 1 lakh say for example 1 lakh 10000 what should be my expenditure तो एक लाख अगर हम पीसेस बनाएंगे तो हमारा कितना खर्चा होगा यह भी हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं एक लाख पीसेस से कम बनाएंगे नाइनटी थाउजेंड पीसेस बनाएंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा और एक लाख दस हजार पीसेस बनाएंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा तो यह जो बजट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल बजट ओके काफी इंपॉर्टेंट है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं नेक्स्ट बजट में जाएंगे

जट्स विच आर यूजली प्रीपेर्ड लेकिन इफ यू सी अगर हम देखें तो ध्यान से आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट अगर बजट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बजट कंपनी के लिए अगर है तो वह इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द कंपनी तो यू कैन से दैट सेल्स बजे इंपॉर्टेंट बिकॉज सेल्स इज रिलेटेड विद प्रोफिटेबिलिटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अर्न प्रोफिट और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सेल्स बजट के साथ रिलेट करता है अभी सेल्स बजट में फिर आगे जाएंगे तो सेल्स बजट के साथ दूसरा बजट भी रिलेट करता है विच इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन बजट ओके तो प्रोडक्शन बजट इज ऑल्सो कितना प्रोडक्शन करना है बिकॉज जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही तो आप सेल करोगे प्रोडक्शन बजट से फिर अग, अगर आगे जाए तो वी हैव डिफरेंट पार्ट सच एज मटीरियल बजट लेबर बजट एज वेल एज एक तीसरा भी होता है ओवर बजट तो बहुत सारे चीजें यहां पे प्रिपेयर की जाती है लेकिन इन सभी चीजों से एक अलग हटके बजट है एंड विच इज रिलेटेड विथ कैश कॉल्ड एज कैश बजट बिकॉज जब तक आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो वो आप मैच नहीं करोगे मतलब कितना पैसा हमें मिल रहा है और कितना पैसा हम बाहर पेमेंट कर रहे हैं तो जब तक आप वो मैच नहीं करोगे तब तक आप सेल्स के ऊपर कैसे कॉन्सेंट्रेट करोगे दैट मीन्स एवरी बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लेकिन इस सेल्स बजट के साथ रिलेट करता है आपका प्रोडक्शन बजट वी हैव मटेरियल कंजम्पशन बजट वी हैव लेबर बजट वी हैव ओवरहेड्स बजट सभी चीजों के ऊपर बजटिंग करना बहुत जरूरी बन जाता है बिकॉज दिस इज द प्रेडिक्शन ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली exactly हमारे कितने एक्सपेंसेस अगले साल होंगे या हम अगर इतना यूनिट्स बनाएंगे तो हमारा कितना खर्चा हो सकता है तो दिस वॉज दी पार्ट रिलेटेड विद दी बजट एज कंसर्न सो वी हैव डिस्कस अबाउट दी कंसेप्ट ऑफ बजटिंग वी हैव डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बजट एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड अबाउट दी बजटरी कंट्रोल विद डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बजट thank you very much from this session and uh, next time we will be covering more about the practical part the expected type of questions which are usually asked in the mcom paper and i will be also solving the practical questions so that you can understand in a better way how this practical part is implemented for solving the questions thank you very much from this session bye bye take care